नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सफल किसान। मैं हूं भरत आंजना। आज मैं आपको लेकर आया हूं एक ऐसे सफल किसान के खेत पर जहां पर आपको इस साइड दिख रहा है गन्ना और इस साइड दिख रहा है आपको प्याज की नर्सरी, जो कि है जैविक तरीके से। तो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही कुछ रोचक जानकारी मैं आपको दिखाने वाला हूँ और बात करवाऊँगा उन किसान से। तो दोस्तों, हो सकता है वीडियो लंबा हो, तो पार्ट वन में मैं आपको बेसिक जानकारी दे देता हूँ और पार्ट टू में आपको मिलवाने वाला हूँ मैं किसान से। तो सबसे पहले तो दोस्तों, मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा देता हूँ जो कि आपको इंटरेस्टिंग लगेगी देखकर। जैसे कि ये गन्ने की खेती है। गन्ने की खेती दोस्तों, मैं बहुत जगह घूमा हूँ लेकिन मुझे कहीं पर भी जैविक खेती नहीं मिली है। जैविक खेती कहने से मतलब ये है दोस्तों कि इसका जो नर्सरी या इसका जो प्लांटेशन हुआ है वहाँ से लगाकर ये हार्वेस्ट होगा, इसके बाद इसमें से गुड़ निकलेगा और गुड़ भी जैविक तरीके से ही निकलेगा। उसमें भी गुड़ निकालते समय कोई केमिकल प्रोसेस या किसी तरह की केमिकल क्रिया नहीं की जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि गुड़ बनने में जो रॉ मटेरियल होता है, जो गन्ना होता है, उसको दिखाए किस तरह से। अब दोस्तों, होता क्या है, कई बार आप देखेंगे कि इस तरह से जो है पौधा आड़ा या तिरछा हो जाता है। इसका कारण ये है दोस्तों कि इसकी एक तो हाइट ज़्यादा होती है और हाइट ज़्यादा होने के कारण ये वजन इतना ले नहीं पाता है। कैमरामैन से चाहूँगा कि उसके उत्साइड थोड़ा सा दिखा दिए। आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ये जो है जैविक आलू है। आपको कलर से ही पता चल जाएगा दोस्तों कितना डार्क कलर है और यहाँ पर अभी इनमें फूल आना बाकी है। तो दोस्तों, ये वीडियो जो बनाने के पीछे मेरा मकसद है यही है कि देश में जो जैविक क्रांति आ रही है, जिस जैविक क्रांति की बात हो रही है, वो जल्दी से जल्दी लाया जाए। अब दोस्तों, आपको इधर यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, ये जो किसान है ये बहुत ही अभी कुशल तरीके से काम कर रहे हैं, कुशलतापूर्वक काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे आपको ड्रिप सिंचाई योजना का लाभ आपको मिलेगा। अब ये दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको ड्रिप की नलियाँ भी दिखाई दे रही है, ठीक है। आपको गन्ना दिखाई दे रहा होगा, गन्ने के अंदर कुछ जगह चूहे जो है उनका काट के चले गए हैं, तो दोस्तों चूहे से भी थोड़ा बहुत यहाँ पर नुकसान हो रहा है। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए जब वजन ज़्यादा होता है तो मैंने आपको जैसे थोड़ी देर पहले ही बोला था कि क्या होता है, ये पौधा थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। तो इस तरह के तार की सहूलियत से इनको बांध दिया जाता है जब ये छोटे रहते हैं तभी, जिससे कि क्या हो कि जो गन्ना है वो गन्ना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे या एकदम खड़ा रहे। आड़ा तिरछा हो जाने से क्या है दोस्तों, उसकी जड़ें फूट जाती है और वो वापस तिरछा बड़े होने लगता है। अब आगे मैं आपको लेके आया हूँ उसी खेत के दूसरी छोर पर। यहाँ पर आपको दो तरीके के गन्ने दिखाई देंगे। दो तरीके से दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ। पहले यहाँ जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पूरा झाड़ियों जैसा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको नीचे नहीं देख पा रहे होंगे आपको कहाँ पर इसका जो है गोड़ है, जहाँ कहाँ पर इसका मूल है, ठीक है। इसके विपरीत मैं आपको इधर ले चल रहा हूँ, यहाँ पर आपको क्लियर पता चल जाएगा कि कहाँ पर इसका मूल है, कहाँ पर इसका गोड़ है। क्योंकि दोस्तों, ये जो गन्ना है, ये जो गन्ना इन्होंने लगाया है, इसको लगाने की पद्धति अलग थी, इसको लगाने का तरीका अलग था, इसलिए ये अलग लग रहा है। यानी कि दोस्तों, ये जो है इसमें पहले गड्ढा खोदा गया था, गड्ढा खोदने के बाद इसमें गन्ना डाला गया था। तो दोस्तों, गन्ना कहाँ से उगता है या इसका गन्ने का बीज आता है, ठीक है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ क्या होता है, गन्ना बनता कैसे है, यानी कि ये जो गन्ने का इतना बड़ा जो दिख रहा है आपको, ये कैसे हुआ है। तो कई लोगों के मन में अभी ये सवाल है, क्या इसका बीज आता है, क्या इसकी नर्सरी होती है, किस तरह से तैयार होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको उसके लिए जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए, गन्ने की खेती में होता क्या है इस तरह से, मैं कैमरामैन से चाहूँगा थोड़ा सा फोकस करें। ये देखिए, इनको बोला जाता है आँख, यानी कि आपको ये यहाँ पर ये जो गोलाई वाले जो है, मैं कैमरामैन से चाहूँगा थोड़ा फोकस करें, ये जो गोलाई वाली चीज़ें हैं इनको बोला जाता है आँख। तो नॉर्मली जब भी गन्ने की खेती करने जाता है किसान, ये करना चाहता है, तो वो क्या करता है, जैसे मान लीजिए एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ठीक है। तो इनको क्या करेगा, यहाँ से और यहाँ तक काट लेगा ये बीच का, इसको छेड़खानी नहीं करेगा। जब ये खेत में गड्ढा खोद के डाल दिया जाता है तो इसमें से जड़ें फूटती है और जड़ें कुछ अंदर चली जाती, कुछ पौधे का रूप लेके बाहर आ जाती है। जैसे कि यहाँ मैं कैमरामैन से चाहूँगा इसको थोड़ा सा दिखाई, यहाँ से देखिए इसकी आँख में से ये निकला है और ये वापस पौधे का रूप ले रहा है। अब दोस्तों, अगर इसमें वजन ज़्यादा है और इसको अब जल्दी से ऊपर नहीं लाया गया और ऊपर नहीं बांधा जाएगा तो कुछ तरह से ये ऐसे तिरछा हो जाएगा और कुछ जड़ें इसकी नीचे चली जाएगी और वहाँ से डायरेक्ट आँख की ओर ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों, मेरे पैरों में आप देख रहे होंगे कुछ गीला है। गीले होने का कारण ये दोस्तों कि यहाँ पर ये जो फसलें हैं ये 2 से 3 सालों में आती है, ठीक है। तो ये कोई फसल ऐसी नहीं है कि आपने एक बार पानी दे दिया और पूरा हो गया है, लगातार कंटिन्यूएशन में पानी। ये जो है, ये पुआल है दोस्तों, ये गन्ने का कचरा है। गन्ने का कचरा से मतलब ये है कि जब गन्ना गुड़ निकलता है दोस्तों तो उसको साफ़ करना पड़ता है। अब साफ करा हुआ गन्ना आपको कैसा लगता है, कैसा दिखता है, मैं आपको आगे बताऊँगा। तो चलिए मेरे साथ, अब मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि इस तरह थोड़ा सा ध्यान लाएँ। अब ये देखिए दोस्तों, ये साफ करे हुए गन्ने हैं, ठीक है। अब इनको क्या करा जाएगा, इनको नीचे से काट दिया जाएगा और ऊपर से ये इस तरह से निकाल दिए जाएंगे
ठीक है, और ये उस मशीन में डाल दिया जाएगा। जब ये उस मशीन में डाल देंगे तो इसका जूस निकलेगा या गन्ने का रस जो आप पीते हैं वो निकलेगा, और जब इसको कढ़ाई पर एक ज़्यादा आँच में जब इसको तपाया जाता है, इसको वाष्पीकृत करा जाता है, तो इसमें से जो पानी होता है वो निकल जाता है और जो गाढ़ा फॉर्म हो जाता है वो गुड़ के रूप में जिसको आप जानते हैं वो शेष रह जाता है। अब मैं आपको दोस्तों एक और चीज़ यहाँ पर इंटरेस्टिंग जो है वो बताना चाहता हूँ। मैं कैमरामैन से चाहूँगा मेरे पीछे जो है ये साफ़ सफाई वाला माहौल देखा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पूरा माहौल जो है एकदम साफ दिख रहा है, कोई आपको कचरा नहीं लग रहा है। उसका कारण यह है कि हार्वेस्ट होने की तैयारी में है, यानी कि गन्ना कटकर मशीन में जाने की तैयारी में। ठीक इसका अपोजिट अगर आप मेरे पीछे वाले खेत में देखते तो वहाँ पर आपको दिखता कि कितना कचरा है। कारण यही है कि उस फसल में अभी आने में देर है और ये फसल आ चुकी है। मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊँगा कि किस तरह की मशीनों में होकर ये गन्ना निकलता है और वहाँ पर इससे गन्ने का गुड़ बनता है। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ।